जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक है, इसमें जैसे कि ये BS6 गाड़ी तो रीजन लिख के आ रहा है, रीजन रिक्वायर्ड, और ये लाइट भी आएगा आपको लिख के इसमें। तो ये DF का लाइट आता है, एड ब्लू जो डलता है इसके अंदर, इसके लिए आता है। और रिजर्वेशन जब लिख के आएगा तो आपको करना क्या है, मीटर से खुद ही रिजर्वेशन का आप कर सकते हो। किस प्रकार होगा अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लासिक है स्कॉर्पियो महिंद्रा की, करता हूँ ये सेट बटन है, ये ऑटो बटन है, इसी को रीजन फुल है। ऑटो से नहीं होगा? ऑटो से होगा सर। ठीक आ गया, हाँ लाना है स्वाइपर वाले को, वो कौन सा है? हाँ दोनों को दबाना पड़े। तो ये ऑटो से रीसेट पे उस पर ले आकर रीजन पे, और ये सेट बटन भी साथ में प्रेस करना पड़ेगा, दोनों प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर रीजन मोड पे जाएगी ये। और आप RPM देख पा रहे होगा, ऑटोमेटिक 2000 RPM चला गया इसका, ठीक है। अभी ऐसे ही स्टार्ट खड़ी रहेगी, वाइपर वाली गाड़ी अंदर आप बार आवाज सुनते। मैंने RPM पे पैर नहीं रखा था, देख सकते हो आप, पैर हटा रखा है। और अभी रीजन हो रहा है इसका, स्टार्ट है, देख के ऊपर लिख के भी आ रहा है, आप देख पाओगे। रीजन कंप्लीट हो गया, लाइट चली गई है, इसमें जो लिख के आ रहा था नहीं लिख के आ रहा, लाइट भी चली गई, देख पा रहे हो, रीजन कंप्लीट हो गई। तो आप ऐसे खुद से कर सकते हो, ये 8 से 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहेगी, ठीक है। अब कोई लाइट नहीं है, गाड़ी नॉर्मल आइडल में स्टार्ट है।